तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है, चाहत के काजल से लिखी हुई मेरी तकदीर है। इनमें मेरे आने वाले जमाने की तस्वीर है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। क्या बात, क्या बात है, तेरी आंखों के सिवा इस दुनिया में रखा क्या है। अब आप समझ गए होंगे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ प्रसन्न राव जी से, भोपाल से हैं, और देश में उन चुनिंदा कलाकारों में इनकी गिनती होती है जो मोहम्मद रफी साहब को लगभग हूबहू कॉपी करते हैं। बहुत अच्छा गाते हैं, तमाम सारे शोज इनके इंदौर में भी होते हैं, इंदौर के अलावा भी देश विदेशों में शो होते रहते हैं। तो प्रसन्न भाई स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम। थैंक यू। प्रसन्न भाई, लॉकडाउन के दौरान भी आपकी क्लासेस तो चल ही रही है ऑनलाइन? जैसा कि लॉकडाउन के दौरान ही हम सब ने एक नई चीज डिस्कवर किए हैं जिसका नाम है जूम। क्योंकि इसके पहले हम शायद बहुत कम लोगों को ये जूम का और इसका उसका आइडिया था, बट अब उसके थ्रू कुछ कंटिन्यू चल रही है चीज़ें, क्लासेस है, कुछ कुछ शोज भी अभी कर रहा हूँ मैं यूट्यूब लाइव पर, एक आध मैंने जूम पर भी किया था, और ये सारे टिकेट शोज हैं, तो बस चल रहा है। मुझे उम्मीद है प्रसन्न भाई, जैसा आपने कहा कि ये निश्चित तौर पर वो कलाकार जिन्हें अपने भविष्य की चिंता हो रही है, कलाकार जो सोच रहे हैं कि हॉल शो होंगे या नहीं होंगे, उनको एक आपने उम्मीद की किरण दिखाई है कि इस तरह से भी अपनी आजीविका को बनाया जा सकता है, आगे चलाया जा सकता है। रफी साहब के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे हरफोन मजा कलाकार, जिस तरह से वे गाते थे, उनके गाने की अदायगी जो थी और गाने में जो उनका वॉइस का मॉड्यूलेशन था वो कमाल का था, जिस गाने को गाते थे वो आवाज के साथ दिल से गाते थे, क्या कहते हैं? ये मैं कई बार अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, और इसलिए नहीं क्योंकि मैं भी रफी साहब को गाता हूँ, इसलिए मैं कुछ, क्योंकि मुझे मुकेश जी भी उतने ही पसंद है, मुझे किशोर दा भी उतने ही पसंद है, लता जी भी उतनी पसंद, सब मतलब हम तो कोई है ही नहीं उन्हें पसंद या ना पसंद करने वाले, ये सब दिग्गज हैं। लेकिन जब मैं सिखाने बैठता हूँ तो मैं उदाहरण रफ़ी साहब का इसलिए देता हूँ उनकी गायकी का, क्योंकि कल भी मैं अपने किसी स्टूडेंट को बता रहा था, उन जैसे गायकी में कुछ चीज़ें होती है जैसे गमक है, मीड़ है, तान है, मुरकी है, तो कई सारे गाने और लगभग बहुत सारे गाने उनके ऐसे हैं कि एक ही लाइन में आपको ये चारों वर्ण जो हैं गायकी के, मीड़, गमक, तान, मुरकी, ये सब एक लाइन में मिल जाएगा। तो उनकी गायन शैली इतनी क्या बोलता हूँ, बोल सकते हैं कि जैसा कहते हैं कि वो इंस्टीट्यूट हैं खुद एक गायन के, तो उनके गाने ही अगर कोई गा पाए प्रॉपर तो उसको ये सारी चीज़ें अपने आप समझ में तो आने लगेंगी। गले से कितना निकले ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है, लेकिन संगीत समझ में ज़रूर आने लगेगा, गायकी क्या
क्या बात। देखिए प्रसन्न राव बहुत ही विनम्र है। मैं जैसा कार्यक्रम की शुरुआत में कहता हूँ कि रफी साहब को लोग जिनके बारे में कहा जाता है कि रफी साहब को कुछ भी बातें हैं, इनमें प्रसन्न राव भी शामिल है। प्रसन्न क्या सुना रहे हो अब नया? मैं कल एक जिस गाने का उदाहरण मैं अपने एक स्टूडेंट को दे रहा था जिसमें ये सारी चीज़ें हर एक लाइन में आपको मिल जाएंगी, कहीं मीड है, कहीं तान है, कहीं छोटी सी मुर्की है, कहीं पे वॉइस मॉड्यूलेशन इतना कमाल का है रफ़ी साहब, किसी का नहीं देखा। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा ही एक गाना जो अभी जहन में आ रहा है वो सुनाता हूँ आपको, मदन मोहन साहब की कॉम्पोजिशन। मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहें तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहे। छा रही थी तेरी महकी हुई जुल्फों की घटा तेरी आँखों ने पिला दी तो मैं पीता ही गया, तौबा 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 तौबा, वो नशा है के बताऊं कैसे, लुट गए होश तो फिर होश में आऊं कैसे, मैंने गाहे तेरे चेहरे से हटाऊं कैसे, मैंने गाहे। सही कहा, चेहरे से निगाहें हटाऊं कैसे, पर हम आपकी आवाज तो लगातार सुनते रहना चाहते हैं। इतना मधुर संगीत, जितनी मधुर आवाज के साथ आप रफी साहब को गा रहे हैं, निश्चित तौर पर बहुत तारीफ काबिल है। और आपने जो कहा कि संगीत के अगर कोई रंगी रफी साहब की जो विशेषता थी कि संगीत के वो चार गुण जो होते हैं उसका समावेश किस तरह से होता है, इतना आपने सारा उसको समावेश करके बताया है कि किस तरह से गायकी में इन सब चीज़ों का समावेश किया जाता है। बहरहाल रफ़ी साहब के बारे में ऐसा माना जाता है कि वर्सेटाइल सिंगर थे, भजन भी उतनी ही तन्मयता के साथ, दर्दीले गीत भी उतनी तन्मयता के साथ, और रोमांटिक सॉन्ग्स भी उतनी ही तन्मयता के साथ, मतलब हर जगह उन्हें महारत हासिल थी। मुझे किस्सा याद आता है, स्वर्गीय ऋषि कपूर अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है, उनका ऐसा मानना था कि गायक गायक नहीं है, गायक तो मोहम्मद रफ़ी थे, किशोर कुमार, लता मंगेशकर ये गायक थे जिनको पता होता था कि किस कलाकार पर ये गाना फिल्माया जाने वाला है, उस कलाकार की वॉइस से मेरी गायकी कैसे मैच करेगी, इसको सोच कर वे गाना गाते थे। तो ये बड़ी बात है, ऋषि कपूर जैसे कलाकार भी इन सब चीज़ों को मानते थे। बड़ा बदलाव प्रसन्न इस समय संगीत में डिजिटलाइजेशन की वजह से आया है, लेकिन जो कलाकार पहले के कलाकार थे जो इतने सारे साजिंदों को एक साथ बिठा कर फिर रिकॉर्डिंग होती थी, उससे काफी बदलाव आ गया है। ये देखिए बदलाव तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर संगीत में गहराई कम हुई है तो आप देखिए ना, इंसान में भी तो गहराई खत्म हो गई, कम हो गई। क्या बात, बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया। ऐसा तो है नहीं, तो स्तर कम से कम लोगों के दिल में जो भावनाएं हैं या कदर जिसको बोलते हैं ना, एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट, वैल्यूज खत्म हो गई, हम सब सेल्फ सेंटर्ड हो गए, दूसरों की पड़ी ही नहीं है हमको कुछ। तो जब जब इंसानी जज्बात ही खत्म हो जाएंगे इंसान के अंदर, तो संगीत में जज्बात कहाँ से आएगा।
बहुत अच्छी बात। तो मुझे तो यही लगता है कि ये म्यूजिक का सीधा सीधा कनेक्शन इंसान के जज्बात से है। वो नहीं है तो फिर संगीत का है। जो रही सही कसर थी, वो जब वो ये जो कॉरपोरेट फील्ड है, ये जब एंटरटेनमेंट में घुसने लगा, तो बाकी सब उसने बर्बाद कर दिया। क्योंकि अब म्यूजिक कंपनी में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मतलब बड़े बड़े म्यूजिक कंपनीज है, जो लिरिक्स राइटर को, म्यूजिक डायरेक्टर को, सिंगर को या म्यूजिक मेकर को जो म्यूजिक बनाते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, जबकि उनको म्यूजिक का कुछ ज्ञान मतलब नहीं है। लेकिन क्या होता है कि पैसा और ये इतना आ गया है इंडस्ट्री में कि अभी हम जितने भी आर्टिस्ट हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, चाहे कंपोजर हो चाहे सिंगर, उनको मजबूरी में माननी पड़ती है उनकी बात। वो लोग भी मजबूर है बेचारे क्योंकि कुछ बहुत अच्छे म्यूजिशियंस अभी भी हैं, सिंगर्स हैं, कंपोजर, शंकर एहसान लॉय हैं, अजय अतुल, विशाल शेखर जी, विशाल भारद्वाज, बहुत अच्छे अच्छे लोग, पर आप उनको सब्जेक्ट नहीं दोगे, आप उनको आज़ादी नहीं दोगे, आप उनको टाइम नहीं दोगे करने को। पहले क्या होता था कि म्यूजिक सेटिंग में जब गाना गाने की सिचुएशन डिज़ाइन हो रही है, तो वहाँ पे सिंगर भी है, लिरिक्स राइटर भी है, म्यूजिक डायरेक्टर भी है, फिल्म का एक्टर भी है। मुझे तो नहीं लगता आजकल कोई भी एक्टर किसी म्यूजिक सेटिंग में जाता होगा, म्यूजिक डायरेक्टर भी पता नहीं जाते हैं या नहीं, या फोन पे बोल देते हैं कि यार एक एक आइटम सॉन्ग चाहिए, एक फलाना सॉन्ग से ये बना देना ना, पता नहीं क्या है। ये कलाकार का दर्द जो निकल कर सामने आया, हकीकत में ये कलाकार जो बता रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में पैसे ने बहुत अहम योगदान दे दिया है, कहीं भी खत्म हो सकता है। फिर लोगों को संगीत का ज्ञान नहीं, संगीत के बारे में बात करते हैं, वो डायरेक्ट करते हैं कि उनका एंगल सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल है। प्रसन्न, मेरी इस बात से भी आप सहमत होंगे कि बची खुशी कसर जो है वो इस कोरोना ने खत्म किया। ये तो अभी क्या बोलूं, लेकिन हाँ ये जरूर है, जो सुनने वाले श्रोता है उनके लिए जरूर एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से। हम जैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं जिनको आपने बरसों लाइव स्टेज शोज में सुना है, और फेसबुक पे भी आजकल सब लाइव आ रहे हैं, आप लोग का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, तो जो सुनने वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि ये टाइम है जब आपकी तारीफ, आपके कमेंट्स की वाह वाह क्या बात है, कमाल कर दिया, छा गए, दिन बना दिया, इन सबको अब आर्टिस्ट के लिए सपोर्ट में कन्वर्ट होने का ये टाइम है। अब सिर्फ आपकी तारीफ से काम आर्टिस्टों का नहीं चलेगा, तो मुझे लगता है कि ये टाइम है जब ऑडियंस के ऊपर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस आर्टिस्ट को आप पसंद करते हैं या जो आर्टिस्ट आपको इतना एंटरटेन करते, कुछ उनके सपोर्ट के लिए भी उनको आप सोचना चाहिए। और सपोर्ट कैसा, कि कोई आर्टिस्ट अगर कुछ पहल कर रहा है किसी तरह की, जिससे वो शायद ही अपना मुश्किल दौर निकाल सके, उसमें आप अपनी सपोर्ट जो भी हो, वो मुझे लगता है कि अब ये टाइम है अब कि उनकी तारीफों का मदद में बदलना। सही कहना, देखिए हकीकत भी है। प्रसन्न, मैं आपको बताता हूँ कि हमने 8-10 दिन पूर्व एक शो किया था, उसमें अभिषेक गावड़े, मैं और हमने उस शो का मकसद यही था कि आने वाले समय में कलाकारों के लिए क्या प्रोविजन होना चाहिए, किस तरह से उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था हो जो पूरे आश्रित हैं सिर्फ संगीत के, संगीत को। तो फाइनली हमने एक सोल्यूशन निकाला था, वो सोल्यूशन ये था जितने भी संगीत के कलाकारों की ढूंढने का एक काम किया जाए, और जो लोग शोज स्पॉन्सर करते थे उनसे बात की जाए कि आप लोग इनकी मदद के लिए कुछ कीजिए, चाहे उन्हें कहीं अपने आप नौकरी दे दीजिए, कहीं उनका आजीविका चल जाए, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अब हॉल शोज होने में थोड़ा सा समय लगेगा, बिल्कुल उनकी व्यवस्था की जाए। तो एक सॉल्यूशन हमने निकाला था, और मुझे लगता है कि आप इस बात से सहमत होंगे, इस तरह से कुछ स्पॉन्सर्स आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर कलाकारों को एक नया जीवन मिलेगा, नई जिंदगी। बल्कि इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि ठीक है, हॉल शोज होने में टाइम है, लेकिन मुझे लगता है बहुत जल्दी ऐसी स्थिति बन सकती है कम से कम 4 म्यूजिशियन, 1-2 सिंगर्स एक जगह इकट्ठा हो जाए, छोटे से कोई जैमिंग रूम में, वहाँ अगर कोई यूट्यूब लाइव शो करें
तो उसको स्पॉन्सर कर कर भी आर्टिस्टों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब रफी साहब का अगर हम दर्जिला जी तो कुछ आप इसी पर सुना दीजिए। फिल्म मर्यादा का ये गीत है, कल्याण जी आनंद जी का संगीत है। मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हसी रातें, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। मेरे मायूस होठों पे तेरे गम की कहानी है, मेरे मायूस होठों पे तेरे गम की कहानी है, कहानी ये नहीं गम की, ये उल्फत की निशानी है, ये आंसू और ये आहें, मोहब्बत की है सौगातें, मोहब्बत के सुहाने दिन, जवानी की हंसी रातें, जुदाई में नजर आती है ये सब ख्वाब की बातें, मोहब्बत के सुहाने दिन। क्या बहुत गंगा, जिस तरह से रवि साहब को गाते हैं काबिले तारीफ है। मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ कि देश में शीर्षस्थ कुछ लोग जो रफी साहब के बातें में काफी उसमें प्रसन्न राव को शामिल किया जाता है। अगर पहले पांच या छह लोगों की बात करें तो प्रसन्न राव उसी काबिल हैं, जितना ही अच्छा उतनी तन्मयता के साथ बनते हैं। क्या लगता है इस समय बुरा दौर भी चल रहा है, आपने अच्छा सजेशन दिया कि यूट्यूब पर कोई स्पॉन्सर मिले उन कलाकारों को, अगर वहां पर एक शोज करने को मिले एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी अगर लाइव कर पाए यूट्यूब पर, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा सपोर्ट होगा इस इंडस्ट्री के लोगों को। इसको लेकर आपने कोई पहल की? देखिए अभी क्योंकि हालात ऐसे नहीं है कि हम तीन चार म्यूजिशियंस मिले, लेकिन हाँ मेरी बात जरूर हुई है म्यूजिशियंस से और सबकी सहमति है कि जैसी थोड़ी आज़ादी मिले, शायद देखिए कि 17 या 18 के बाद शायद कुछ कम से कम ग्रीन जोन्स में ये इजाज़त हो शायद, तो हम कोई जैमिंग रूम लें, वहाँ एक शो सेटअप करें, स्पॉन्सर्स को इनवाइट करें, और बल्कि जैसे SR टाइम्स इतना अच्छा न्यूज़ चैनल है, इनके प्लेटफॉर्म से भी कुछ हो सकता है, या और भी जो हमारे लोकल न्यूज़ चैनल्स हैं, या YouTube लाइव पर भी गए तो कई सारे स्पॉन्सर्स हैं, वो भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ी इजाज़त मिलने की देर है, कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। फिलहाल तो बस ये है कि हम लाइव जो भी शो कर सकते हैं टिकट शो यूट्यूब पे है, हम लोग इस दिशा में निश्चित तौर पर प्रयासरत हैं, हम लोग कलाकार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इन कलाकारों को कोई प्लेटफॉर्म। बिल्कुल, आप जो ये कर रहे हैं कलाकारों से इंटरव्यू, ये भी एक बहुत बड़ी सहायता है, हम सब की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी हेल्प है। आपकी जो कला है, आप जिस अंदाज में गाते हैं भाई, वो काबिले तारीफ है, उसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, लेकिन आप उनको समय दे पाते हैं अपनी व्यस्तम स्तरों के बीच ये भी हमारे फिलहाल हम इस कार्यक्रम खत्म करते हैं, लेकिन जब तक रवि साहब का कोई तड़कता भड़कता गीत नहीं होगा तब तक कार्यक्रम को खत्म करना थोड़ा मुश्किल दिखता है। थोड़ा हारमोनियम के साथ तड़कता भड़कता, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जी जरूर बिल्कुल।
खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। मुसव्विर खुद परेशान है कि ये तस्वीर किसकी है, बनोगी जिसकी तुम ऐसी हंसी तकदीर किसकी है, कभी वो जल रहा होगा कभी खुश हो रहा होगा, खुदा भी आसमां से जब जमीन पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा, खुदा भी आसमां से। क्या बात, बहुत खूब। मेरा तो ऐसा मानना है कि रफी साहब जब खुदा के पास पहुंच चुके हैं, ऊपर वाले के पास पहुंच चुके हैं, तब आपने उन कुछ शिष्यों की गायकी को देखकर सुकून महसूस करते होंगे, और उनमें से एक प्रसन्न राव है ना सर। प्रसन्न भाई, निश्चित तौर पर जब भी आप अगला शो टिकटिंग वाला करेंगे और उसकी सूचना हमें देंगे, हम अपने चैनल के माध्यम से तमाम सारे लोगों तक ये सूचना भेजने की कोशिश करेंगे, जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकें। आपने अपना समय निकाल कर हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के इस कार्यक्रम में नमस्कार।